राधे राधे, आज हम अपने कान्हा जी के लिए ये देखो एक तरह से डबल ड्रेस बना कर लाए हैं। ये कान्हा जी को आप ड्रेस पहनाने के बाद इसको इस तरह, ये ड्रेस आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। जब आप बड़ी चोली बनाओगे तो थोड़ी बड़ी ड्रेस हो जाएगी, और छोटी चोली बनाओगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 चार लाइनें करी हैं, 1 2 3 4, और एक वाली ये वाली करी, पांच लाइनें करी हैं। ये लाइनें भी आप छोटी ड्रेस में तीन कर सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छह लाइनें बनाई हैं, यहाँ पे भी आप छोटी ड्रेस में कम कर सकते हो, बड़ी ड्रेस में एक दो लाइन और बढ़ा सकते हो। ये देखिए, आप इसको किन्हीं भी दो कलर में बना सकते हो। अब ये देखिए, मैं ये 8 9 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। ये मेरी थोड़ी मोटी ऊन है, इसलिए मैंने इसमें 27 चेन बनाई है। 27 चेन बनाने के बाद मैंने इसमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद मैंने हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद भी हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह मैंने 1 2 3 4 लाइनें बना ली हैं। अब मेरे पास ये 50 डबल क्रोशिये हैं। अब हम इनको 6 भागों में डिवाइड करेंगे। देखो, अब हम अगर 8 8 लेते हैं तो हमारे 48 होते हैं, दो बच जाते हैं। तो हम इधर उधर किनारे पे 9 9 बनाएंगे। ऐसे हमने 2 चेन बनाई, अब हम 9 डबल क्रोशिये बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ेंगे। अब हम यहां पे 16 बनाएंगे इस तरह। देखो, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 25 चेन बना के इसको छोटी, इतनी वाली चोली बन जाएगी जितनी ये वाली है। देखो, अब फिर हम 8 छोड़ेंगे और फिर 9 बनाएंगे। फिर अगली लाइन में हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो, अब हमें जो भी दूसरा रंग लगाना है, अब हम ये वो रंग लगाएंगे। आप पहले चाहे ऊपर का बना लीजिए या नीचे का बना लीजिए। अब हम इसमें, अब 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको ऐसे टाइट कर देंगे, और इस वाली ऊन को ऐसे बीच में ही रखेंगे, और हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। ऐसे अब हमें हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह। देखो, अब हम इस वाली ऊन को ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ये वाला हम इसमें बाद में डिजाइन बनाएंगे, ऊपर वाला। अब हम नीचे ऐसे बनाना है। सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई, 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन बनाई, 2 चेन यहां पर छोड़ी, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया और बनाया, फिर 3 चेन, फिर यहां पे 2 चेन छोड़ी, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 चेन छोड़ी, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी के अंदर से 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 चेन बनाई और 2 चेन यहाँ पे छोड़ी, फिर 1 डबल क्रोशिया। फिर देखिए, 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 चेन छोड़ेंगे
और यहां से ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन, फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाया, फिर तीन चेन बनाई, फिर यहां पे दो चेन छोड़ी, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, तीन चेन बनाई, फिर यहां पर दो चेन छोड़ी, फिर इसके अंदर, फिर एक ही चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह हम अपनी ये लाइन पूरी करेंगे। ये देखिए इस तरह, देखो इस तरह हमने ये सारे में बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरह ये हमारी 11 कलियां बनी हैं और इसमें हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो ऐसी जब आप बड़ी छोटी ड्रेस बनाएंगे तो थोड़ी कलियां कम हो जाएंगी। अब हम इसमें फिर तीन चेन बनाएंगे और इसके अंदर ऐसे ले लेंगे इस तरह नीचे से, फिर तीन चेन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐसे पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे, फिर तीन चेन, फिर देखो इसके ऐसे लिया और ऐसे, फिर तीन चेन। ये हमारी हमें ऊपर तक तीन चेन ही चलेंगी। देखो इस तरह, फिर तीन चेन, फिर इसको, फिर ऐसे, फिर तीन चेन, फिर इसके अंदर फिर चार बनाएंगे। फिर दो, देखो इस तरह हम ये पूरी लाइन में बनाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं इस तरह, फिर हम 1, 2, 3 लाइनें बनाएंगे और फिर इसके नीचे से फिर ऐसे ले लेंगे, फिर 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। अब फिर इसके बीच में हम पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके नीचे से फिर ऐसे लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके बीच में फिर 1, 2, 3, फिर दो चेन, फिर तीन, 1, 2, 3, फिर तीन चेन। ये देखो पहले हमारे इसमें दो थे, फिर चार हुए, अब छह हो गए। इस तरह आप जितनी भी लाइन बनाओगे तो यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, अगली बार फिर हमारे आठ हो जाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये तीसरी लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर इसको फिर ऐसे नीचे से लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे। अब की बार हम यहां पर 1, 2, 3, 4, फिर दो चेन, फिर इसके अंदर फिर चार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर नीचे से ऐसे फिर लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर फिर ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम सबके बीच में ऐसे बनाते रहेंगे।
देखो इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हमने फिर तीन चेन बनाई है, फिर ऐसे ही इसके नीचे से ऐसे बनाया है। ये हम जो तीन चेन बनाते हैं और एक डबल क्रोशिया उन दोनों के बीच में से निकाल लेते हैं ऐसे, फिर हम तीन चेन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर एक दो तीन चार पांच, देखो ऐसे 10 डबल क्रोशिए बनाए हैं। अब हमने इसके बीच में कोई भी चेन नहीं बनाई, अब हम यहां पे तीन चेन बनाएंगे और फिर इसके नीचे से ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर फिर 10 डबल क्रोशिए बनाएंगे ऐसे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम यहां से इसको धागे को तोड़ देंगे। अब देखो अब हम ना यहां पर ऐसे ऊन लगाएंगे, तीन चेन बनाएंगे और इसके अंदर ऐसे एक दो एक दो एक एक अब एक दो ऐसे बनाएंगे। देखो एक दो तीन चार पांच, पांच में हमने दो दो बनाए ऐसे। अब हम इसमें एक और बना लेंगे, हमने तीन बनाए, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और फिर इसको ऐसे इस तरह जोड़ देंगे। फिर इसी के अंदर हम तीन और बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम चार चेन में दो दो बनाएंगे, एक दो ये देखो। देखो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये मैंने उधेड़ा है दोबारा से बता रही हूं मैं। देखो एक दो तीन चार, चार चेन में हमने एक में दो दो बनाए, फिर पांचवी चेन में हमने तीन बनाए एक में, और फिर हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसको ऐसे पहली चेन से ऐसे निकाल के ऐसे बना देंगे। अब फिर हम अगली चेन में तीन बनाएंगे इस तरह, एक दो तीन, फिर बाकी चार चेन जो बची हैं उनमें एक में दो दो बनाएंगे ऐसे। इस तरह हमारा ये पत्ता बन जाएगा। इस तरह ये देखो, ये हमारे 10 डबल क्रोशे थे ना, 10 के ऊपर पहले हमने पांच में चार में एक में दो दो बनाया, फिर पांचवे में एक में तीन बनाया, फिर ये इस तरह पत्ती वाला लुक दिया, फिर एक में तीन और फिर चार चेन में एक में दो दो बनाए। ये देखिए अब हम कोई भी चेन नहीं बनाएंगे ना इसको यहां पे जोड़ेंगे, अब हम यहां पर फिर इसमें एक में दो बनाएंगे ऐसे, फिर अगली वाली चेन में फिर एक में दो बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली चेन में फिर एक में दो बनाएंगे और फिर इससे अगली में फिर एक में दो बनाएंगे। इस तरह देखिए हमने चार चेन में दो दो बना लिए। अब हम पांचवी चेन में एक में तीन बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम तीन चेन बनाएंगे और इसको ऐसे निकालेंगे,
फिर अगली चेन में फिर एक में तीन बनाएंगे। फिर इसमें एक में दो, फिर अगली वाली चेन में फिर एक में दो, फिर इससे अगली वाली चेन में फिर एक में दो, फिर अगली चेन में फिर एक में दो, फिर हम यहां पर फिर एक में दो बनाएंगे ऐसे। ये देखो इस तरह हमें ये हर इस पर ये इस तरह पत्ते वाला लुक देना है। देखो इस तरह अब हमने ये पूरी लाइन कर ली है, ये सबके ऊपर हमने इस तरह बना लिया है। अब हम इसको यहां पे जोड़ देंगे इस तरह जहां से आपने शुरू किया था ऐसे। अब हम इसमें एक चेन और बनाएंगे और इसको धागे को यहां से काट देंगे। अब देखो जहां हमने ये वाली ड्रेस इस वाले कलर से शुरू करी थी ये गोला हमने इसमें यही छोड़ दिया था। अगर आपके पास एक ही गोला है तो आप काट के दोबारा भी जोड़ सकते हो। अब हम इसको जैसे हमने ये वाली लाइन बुनी है ऐसे ही हम इसके ऊपर मर्जेंटा के ऊपर बिल्कुल इसी तरह बुनेंगे। ये देखो जैसे मैंने इस ड्रेस में बनाया है, पहले दो फिर चार और फिर छह और फिर आठ इस तरह। देखो अब यहां पर हमारा जैसे ये एक डबल क्रोशे यहां बना हुआ है तो अब हम यहां पर ये ऐसे अपनी क्रोशे डालेंगे और ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम तीन चेन बना लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐसे ही एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब हम तीन चेन बनाएंगे और अब इसके अंदर यहां पर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे ये वाले दो बन रहे हैं। सबसे पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। देखो या तो आप बीच में बना लीजिए और या फिर हम जैसे ये वाला जैसे हमारा डबल क्रोशिया है इसमें बना सकते हैं बराबर वाले में। देखो ऐसे में बना के दिखा रही हूं। देखो जैसे हमारा ये डबल क्रोशिया है ये वाला ऐसे ऐसे हम इसमें से ऐसे निकालेंगे, तीन चेन बनाएंगे और ऐसे करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब तीन चेन बनाएंगे, फिर जो इसकी ही बराबर वाला डबल क्रोशिया है ये वाला, अब हम यहां पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके बराबर से ऐसे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर ये इसी ऐसे। देखो यहां पर जैसे ये बन रहा है इसी तरह यहां बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे। ये देखो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन रहा है तो ऐसे लेके हम यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर तीन चेन। ये देखो इस तरह हम अपनी ये लाइन पूरी करेंगे। अब ये देखिए हमारा इसके ऊपर बिल्कुल यही डिजाइन चल जाएगा। देखो ऐसे हमारी लाइन पूरी हो गई। अब हम इसको यहां पे जोड़ेंगे ऐसे ही। हम हमारी जितनी भी लाइनें पूरी होंगी हम उनको सबको ऐसे ही जोड़ेंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद जैसे हमने यहां पर नीचे ये देखो इसके नीचे से निकाला था ऐसे ही इसमें हम इसके नीचे से बनाएंगे ऐसे। इस तरह फिर तीन चेन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर
जहां हमारे दो डबल क्रोशिए हैं तो चार डबल क्रोशिए बनाएंगे। पहले हम दो डबल क्रोशिए बनाएंगे ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर दो डबल क्रोशिए और बनाएंगे ऐसे। अब हम तीन चेन बनाएंगे और फिर इसके नीचे से फिर ऐसे निकालेंगे। अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर फिर हम चार डबल क्रोशिए बनाएंगे। पहले दो डबल क्रोशिए, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिए ऐसे, फिर तीन चेन, फिर ऐसे इसके नीचे से फिर इस तरह। इस तरह हम इस लाइन को पूरा इसी तरह बनाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये दूसरी लाइन भी तैयार हो गई। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हो, अगर आप इसको इतना ही रखना चाहते हो तो इतना भी रख सकते हो, और इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो इससे बड़ा बना सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें देखो इतना बड़ा बनाया है, एक दो तीन चार लाइनें कर रखी हैं, और अभी हमारी दो लाइन हो रही है, तो चार लाइनों में हमारी ये यहां तक आएगी और फिर ये हमारा डिजाइन चमकता रहेगा। अब फिर हम इसको ऐसे यहां पे जोड़ देंगे। एक दो तीन चेन बनाएंगे, फिर ऐसे नीचे से बनाएंगे इस तरह, फिर तीन चेन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर छह डबल क्रोशिए बनाएंगे। पहले तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे, दो तीन, फिर हम दो चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिए बनाएंगे, एक दो तीन। अब तीन चेन बनाएंगे और फिर नीचे से फिर ऐसे बनाएंगे, फिर तीन चेन, फिर ऐसे ही छह डबल क्रोशिए, एक दो तीन। ये देखो इस तरह हम पूरी लाइन बनाएंगे। इस तरह हमारी कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी, है ना। अब छह के बाद फिर हम आठ बनाएंगे, और अगर आप इससे बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो तो नीचे भी आपको बढ़ाना है, फिर यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।